धुरकी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। धुरकी प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख श्रीमती शांति देवी एवं उप प्रमुख धर्मेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को थाना प्रभारी श्री सदानंद कुमार से औपचारिक मुलाकात कर अपनी जीत की खुशी को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर किया। वहीं श्री सदानंद कुमार ने नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि धुरकी प्रखंड अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को विकास की गति देने की आवश्यकता है। आप सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है क्षेत्र के विकास में आप खरा उतरेंगे एवं कंधे से कंधा मिलाकर प्रखंड एवं क्षेत्र का विकास करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि धुरकी प्रखंड क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। आप कभी भी पुलिस प्रशासन को सूचित कर सहायता ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में नशा उन्मूलन एवं अन्य घटना एवं अपराध के रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि आप सभी पुलिस प्रशासन की मदद करें एवं किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने का प्रयास करें ताकि प्रखंड क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो सके एवं किसी भी तरह की समस्या पर काबू हो सके। उन्होंने बारी बारी से सभी का परिचय पूछकर सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ दी। औपचारिक मुलाकात में धुरकी प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष अबदुल्ला हक अंसारी, प्रखंड प्रमुख श्रीमती शांति देवी, उप प्रमुख धर्मेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व बीडीसी इसराइल खान, सुनील कोरवा, समाजसेवी अनिरुद्ध गुप्ता, धुरकी पंचायत मुखिया महबूब अंसारी, कांग्रेस के इनायतुल्ला अंसारी, अख्तर अंसारी सहित ग्रामीण मौजूद थे।